लगा दिया और एक सेकंड में सर आपको भी चैट खोल लूं ओके दिस आई एम लॉगिंग आउट ऑन समथिंग मैं स्लाइड लिंक जो है ना मुझसे क्लास के एंड में बता बोल देना तो मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा मेरे तुमको क्लिक सेपरेट लिंक बनाया हुआ है स्लाइड्स के लिए ठीक है इनटू आवर थ्री प्रोटेक्शन एंड गाइस मैं वैसे तुमको ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड एक बात और बता रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग में तुम सबको एटलीस्ट कोशिश करो तीन प्रोडक्ट्स दो एटलीस्ट थ्री प्रोडक्ट्स कि अगर एक रिजेक्ट हो जाए दो रिजेक्ट हो जाए तब तो तीसरी अब एक और चीज मैं तुम लोग को बता सपोज तुम लोग बोलते हो कि तुम लोग ने निश एक निश सेलेक्ट कर लिया उसके अराउंड तुम को एक स्टोर खोलना है और उस निश में तुम लोग तकरीबन कोई दस प्रोडक्ट्स डालते हो ठीक है दैट्स uh, फाइन और उन दस में से ये तीन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट तुम चाहते हो कि uh, तुम लोग टेस्ट करो हो सकता है अब पहली बात समझने की कोशिश करो हो सकता है मैं हम तीनों रिजेक्ट कर दें हो सकता है कोई एक रिजेक्ट कर दें हो सकता है दो रिजेक्ट कर दें और हो सकता है कोई भी रिजेक्ट नहीं करे हम बोले तीनों पर टेस्टिंग करो ठीक है ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना सेचुरेटेड हो चुका है हो सकता है तीनों सेचरेटेड नहीं हुए हों हो सकता है तीनों में वाव फैक्टर वाव फैक्टर्स हों जो हम लोग ने पहले चीजें हाईलाइट करी है तो अगर स्टोर खोलने जा रहे हो दस प्रोडक्ट्स तुम लोग को डालने पड़ेंगे पढ़, मुझे पता है ड्रॉपशिपिंग क्लास नहीं है लेकिन मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को कन्फ्यूजन है मैं इस वजह से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उस तरफ तो तीनों दो तीनों दो हम तीनों को देखेंगे फिर तुम लोग को बता देंगे कि uh, क्या तीनों अप्रूव्ड हैं तीनों रिजेक्टेड हैं कोई एक एक्सेप्टेड है या दो रिजेक्टेड हैं जो भी वट एवर इज ठीक है ओके सो आई नो अ लॉट ऑफ टॉकिंग गोइंग

जी तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि क्या किया जा सकता है क्योंकि uh, काफी लोग जो हैं वो थोड़े से आई एम श्योर एंड इट्स ओके टू से दैट मैंने जैसे तुम को पहले बताया था कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल मैं तुम लोगों को तीन सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़ा रहा हूँ uh, रजी कुछ पढ़ा रहे हैं कुछ दूसरे लोग भी पढ़ा रहे हैं पीएल के अलावा ऐसी बात है पीएल तो काफी लोगों ने माइंड बनाया हुआ है बट दैट बीइंग सेड तुम लोग को एक बात समझनी होगी कि तुम लोग के ऊपर कोई किसी ने कोई चीज लागू नहीं करी भी कि नहीं तुम्हें ये वाला और तीनों इनकम स्ट्रीम्स तुम लोग को एग्जीक्यूट करनी है इफ आई वर यू अगर मैं तुम लोग की जगह होता एंड आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू गाइस मैं कोई भी सिर्फ एक सेलेक्ट करता बिकॉज दैट्स हाउ आई हैव डन माय एंटायर लाइफ जब तक मैं एक चीज में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो गया या मुझे फील नहीं हुआ कि नहीं मुझे इस मॉडल के ऊपर अब पूरी कमांड है मैं एक साथ तीनों कभी एग्जीक्यूट नहीं करी दो भी नहीं करी और अगर मैंने कोशिश करी तो यूजली बल्कि इनफैक्ट ऑलवेज आई एंडेड अप फेलिंग ऑलवेज इट्स गुड टू डाइवर्सिफाई एंड हैव फोर टू फाइव इनशाला अगर आगे लाइफ में जाके टेन सोर्सेज ऑफ इनकम ट्वेंटी सोर्सेज ऑफ इनकम सनी भाई बोलते हैं थ्री सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए एटलीस्ट आ, एक अच्छे से सस्टेन करो अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए 100%, is, क्या वो तीनों एक साथ करनी चाहिए? नजर में तीनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए फोकस रहो हल्की आंच पे लेके चलो थोड़ा सा उसको तो ऑटोमेट करो सब कुछ मेक सेंस लेकिन दोनों बिल्कुल पागलों की तरह फोकस करो तो थोड़ा सा मसला हो सकता है अच्छा वैसे दो फिर भी हो सकती है

प्रॉफिट में स्कोर करते थे प्रॉफिट में ठीक है उसके बाद फिर हम लोग ने जब किसके ऊपर एफिलियट मार्केटिंग के ऊपर uh, तो उसके बाद मैंने और मेरे पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम काम डिवाइड कर लेते हैं हम लोग क्या कर रहे थे कि, uh, दे मैं, कि अगर मैं और मेरे पार्टनर है तो दोनों मिलकर दो चीजो, दोनों चीजों को एक साथ देख रहे थे थोड़ा बहुत, मैं दोनों को देख रहा था थोड़ा बहुत वो दोनों को देख रहा था हमनेट कर, हम कर लेते हैं तो, देखो ये ये चीजें चल रही हैं वो मुझे रिपोर्ट देता था अपने डोमेन से रिलेटेड एफलीट मार्केटिंग से रिलेटेड और चीजें फिर वापस स्टेबल होना शुरू हो गई थी तो ह्यूमन नेचर होता है आप हर चीज में एक साथ बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ मिले के चल सकते तो आपको डोमेन डोमेन ओनर्स चाहिए होते हैं जो उस चीज में जो है ना आप किसी को डोमेन ओनर रखो और फिर चीजें फिर काफी हद तक कंसिस्टेंट और स्टेबल रहती हैं बहरहाल हैविंग है बहरअल um, मैं तुम लोग को ये नहीं कह रहा कि क्विट करो बिकॉज आई थिंक एक बार मैं ये कंप्लीट कर लूँ तो तुम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगी एंड एक काफी चीजें तो तुम लोग शायद खुद भी पढ़ चुके हो तो फॉर दोज हुट नो के क्या चेंजेस हुए ये चेंजेस हुए और ज्यादातर कम्युनिटी मेंबर्स ने खुद ब खुद ये शेयर कर दिया था तो दिस नथिंग न्यू ओवरहेड सही है uh, काफी हैवी काफी काफी हैवी अप टू सिक्सटी परसेंट तक के जो है ना स्लैश पड़ा है ओवर द कमीशन रेट्स बहुत हैवी है ये आ, uh, लेकिन कुछ आप देख सकते हो जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है जैसे कि स्पोर्ट्स में फोर पॉइंट फाइव हो गया बीबी uh, प्रोडक्ट्स में फोर पॉइंट फाइव हो गया फर्नीचर और हेडफोन्स uh, के साथ तो लिटरली <laughs> uh, क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा एंड अ लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज एज वेल 5% ग्रोसरी 1% हो गया तो पहले ये चीज वॉर करने की कोशिश करो और मैं तुम सबसे पहले ये मत देखो, सब लोग इसको ना बिग दे आर नॉट लुकिंग एट द बिग पिक्चर देर जस्ट लुकिंग एट वन थिंग 8 था 3 हो गया 6 हो गया छ था तीन हो गया साढ़े पांच था 3 ती, हो गया 5 था 1 हो, हो गया अच्छा ठीक है हो तो गया लेकिन लेफ्ट पे तो देखो कौन सी कैटेगरीज है जिनपे हुआ है ये नहीं कोई देख रहा ठीक है मेजोरिटी लोग देखो लोग लॉन एंड गार्डन कर रहे हैं दे बैक एट होम कोई और अगर आउटसोर्स कर रहा था उसको उस एरिया को तो उन्होंने अपने घर की आसानी के लिए लॉन गार्डन के लिए कुछ एक्सेसरीज इक्विपमेंट्स के लेना शुरू कर दी जिसकी वजह से वो आसानी से उस काम को करें और वो उस चीज पे ज्यादा टाइम डेडिकेट कर पा रहे हैं पेट प्रोडक्ट्स के ऊपर चीजें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सही है मैं, मैंने काफी सारे ड्रॉप शिपिंग देखा है क्योंकि घर पे लोगों के पेट्स थे अब वो उनके साथ ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं उनकी ग्रूमिंग के के लिए एक, एक, य, के लिए एक्स वाई जेड काफी चीजों सो ये होम पे लोग कर रहे हैं यहाँ तक मैंने खुद रिसेंटली अभी फर्नीचर लिया है मैं अपनी वाइफ के साथ ये डिस्कस कर बिकॉज काफी घर पे एक एनजायटी वाला डिप्रेशन वाला माहौल हो गया है तो उसको खत्म करने के लिए लोग जिम कर रहे हैं लोग अपने घर को फिर से थोड़ा अंद विद इन अपने ही उसके कैपेसिटी uh, के अंदर लोग घर को जो है ना वापस से इंटीरियर डेकोरेट कर रहे हैं चीजों को सेटअप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि यार थोड़ा लुक एंड फील चेंज करो महीने से ऊपर हो गया घर के अंदर बैठे में uh, सही है एक सेकंड में जरा आप लोग की चैट भी देखता जाऊं क्योंकि क्यों कुछ पता नहीं होता कि कोई मैसेज कर रहा हो कि लैग हो रहा है ये हो रहा है गाइस yeah. प्लीज मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो मैं बार बार नहीं देख सकता वीडियो ऑफ करने का सिस्टम प्लीज मैं फोकस करूंगा लेक्चर के ऊपर ठीक है लेकिन बीच बीच में जब मैं मिनिमाइज करके देखूंगा आप लोग की स्क्रीन तो मैं देख लिया करूंगा ठीक है देखो जरा यहाँ पे पांच परसेंट से ग्रोसरी को स्लैश करके वन पे लेके गए हेल्थ एंड पर्सनल केयर पे साढ़े से एक पे लेके गए सुनते जाओ अभी जरा गौर करो कौन से एरिया सही ठीक है अच्छा चलो ये तो हो गया व्हाट्स चेंज्ड नॉट चेंज्ड टेन परसेंट दीज आर कॉइन्स कौन फोकस मतलब क्राइसिस uh, में आई एम नॉट से इन एरियाज में बिल्कुल भी नहीं हो रहा कुछ लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिन एजो एरियाज ज्यादा बूम कर रही है ड्यू टू कोविड नाइनटीन प्रॉपर इशूज उनके अलावा जो एरियाज हैं वो अभी भी तकरीबन तकरीबन सेम है तकरीबन क्या सेम है वही सेम है बट तकरीबन कहने का मकसद ये था कि जैसे टॉयज की कैटेगरी है अब टॉयज की डिपेंड करता है कि टॉयज की कौन सी कैटेगरी इफ यू टॉक अबाउट फैमिली गेम्स या किड्स टॉयज तो लोग हाँ ले रहे हैं लेकिन मेजोरिटी ऑफ दीज कैटेगरीज जो आप यहां पे देख रहे हो वो इतनी बूम नहीं कर रही जितनी की ये कैटेगरीज बूम कर रही है ड्यू टू कोविड नाइनटीन ठीक है कुछ पे इन्होंने सोचा है कि बस ठीक है हम उनको फुलफिल कर सकते हैं तो उनको हम सेम रखेंगे अभी आगे और पढ़ते हैं तो व्हाट आर द टेक अवेज इस करंट सिचुएशन में जो कि अभी स्लैश हुई है कमीशन रेट्स व्हाट कैन वी मेक आउट ऑफ इट राइट सो कोविड-19 पॉज की वजह से दिस मे बी अ साइड इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस

ट so दे uh, uh, सही है एंड इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं ग्रोसरीज फॉर एग्जाम्पल लोग घर से बैठे बैठे अब मंगवा रहे हैं अपने घर के ऊपर तो एमेजोन जो है इस ट्रेन को ठीक है नहीं सही से फुलफिल कर पा रहा नहीं सही से कैटर कर पा रहा है एंड एफिलियट साइट जो है वो उनको इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज रही है और आए दिन जो है एफलीट साइट खास तौर पर इस कैटेगरी में खुल रही है तेजी से क्यों बिकॉज दे नो दिस में खोलो जल्दी से uh, क्योंकि लोग पागल हुए हैं कैटेगरी में ट्रेंड पागल हुआ है कैटेगरीज में तो जल्दी से इसके ऊपर जो है ना एफलेट स्टोर खोलो बिकॉज वी नो दिस फॉर अफेक्ट के पांच साढ़े पांच परसेंट के साथ तो हम लोग पता नहीं कितना पैसा पीट लेंगे तो वहां पे उन्होंने स्लेश

so that's that's how it is there's no confirmation ke tak ye crisis hoga. so search for other opportunities such as shift to affiliate networks or more reliable avenues like walmart you can just say reliable uh, avenue up here. amazon here walmart be here i'm not saying ke walmart be shift ho there are other, other reliable uh, avenues as well if you guys want me to conduct a session just a one well some of session

मैं तुम लोग बता दूंगा अच्छा सो कमिंग टू नेक्स्ट एरिया विच इज वेबसाइट बिल्डिंग ठीक है वेबसाइट बिल्डिंग के तरह के बाद मैं वापस एसईओ की तरफ आऊंगा बिकॉज आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर मी I mean, obviously, मुझे एस तो कवर करना ही था लेकिन आई वेबसाइट्स बिल्डिंग लूं या पहले मैं एस सीओ जो कि सिर्फ साइट होगी तो मैं को समझा सकता हूं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जस्ट एज मच एज ऑफ साइट इज इनफैक्ट कुछ लोग ये बोलते हैं कि बैट दैट डीन की ऑफ साइट एस सी एसईओ इज नॉट इंपॉर्टेंट सही सो

Um, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप जा के किसी भी पूछ सकते हो कि यारेस में मुझे ये इशू आ रहा है मुझे बता दो ठीक है लेकिन यही चीज अगर आपको शपफाई में या आपको किसी और चीज में अगर आप मसला आपको पेश आता है तो आपको यूजली कम्युनिटी में जाके शपफाई की तो खाए बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कम्युनिटी में जाके आपको खास कोई डेवलपर चाहिए होता है जो उस प्रॉब्लम को हल करे ठीक है पहली चीज दूसरी चीज शॉपिफाई की प्लग जो हैं वो इतने इतने इतने, इतने अवेलेबल हैं आउट इन द मार्केट के हर चीज के लिए एक छोटा सा प्लग इन है हर छोटी सी चीज के लिए जो कि अगर आप वही चीजें अ पॉसिबिलिटी इवन दो अब शॉपिफाई पे भी, भी, भी बहुत एप्स आ गई हैं विक्स पे नहीं है इतनी अभी भी एप्स प्लग वगैरह अगर आपको किसी भी छोटी सी चीज के लिए um, उसका उसको सोल्यूशन चाहिए अगर आपको वो चीज इंप्लीमेंट करनी है इट्स आउट देयर एंड यू कैन गो अबाउट इंप्लीमेंटिंग इट विदाउट एनी यू यू जस्ट नीड टू टू डू इज हैव गो इन द मार्केट सर्च फॉर इट एंड इंप्लीमेंट इट एंड आपको यूट्यूब पे अनगिनत इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगी दो से तीन मिनट पांच मिनट की जो आपको ये बता रहा होगा कि ये प्लग किस तरह इंप्लीमेंट होगा

बहुत एक्टिव कम्युनिटी है और एक्टिव कम्युनिटी से हट के भी अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हो अगर कोई इशू आ रहा है तो आपको के मिल जाएंगे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया एंड ऑटोमेटिक फ्री ऑटोमैटिक्रीड्स और ये मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि कैसे ऑटोमैटिक फ्री अपग्रेड्स है uh, एक क्लिक के ऊपर या मैक्सिमम दो क्लिक्स के ऊपर जो है इनके हर तरह के अपडेट्स अपग्रेड्स अब, हो अवेलेबल होते हैं वर्डप्रेस की अपनी थीम अभी 5.4 वर्जन की चल रही है अगर कोई आगे वर्जन निकलता है तो आपसे वन क्लिक के ऊपर जो है उसके पूरे अपडेट हो जाती है थीम उसका कोई नया वर्जन आता है आप ना, सारे को सेलेक्ट करो, एक क्लिक पे जो है ना अपडेट दबाओ सारे बिकॉज दिंग इज के हमारे पास हर तरह के लोग मौजूद है जिन्होंने जिन्होंने वर्ड प्रेस नहीं करा हुआ एंड अगर मैं डायरेक्टली जम्प कर लूँ की अच्छा तो ऐसे जो है अपना अपने, अपनी पूरी नेविगेशन बनानी है और इस तरह तो प्रॉब्लम इज के

For uh, .org, you can make money by running your own ads through Google AdSense. You can use powerful tools like Google Analytics for custom analytics. For .org, you need to upgrade to premium or business plan to have a custom domain name. And this is very important. You cannot have a custom domain name on .com. And I'm talking about recent times right now. मैंने अपने कस्टमर के लिए अभी जो है ना डोमेन खरीदना चाहता था वो मुझे पे फ्रस्ट्रेट हुआ जा रहा था मैं नहीं ले पा रहा मैं नहीं ले पा रहा कस्टम डोमेन आप मुझे इसको फ्री करके दो मैं उसको समझाए जा रहा हूँ तुम डॉट कॉम पे बैठे हुए हो ये लो इसका पूरा प्राइस प्लान मैंने उसको दिखा दिया था और उसमें यह था कि अगर आपको डॉट कॉम पे जाना है यू हैव टू बाय मतलब बेसिकली उनका एक प्लान होता है टू इंटीग्रेट अ कस्टम डोमेन डी नॉट डू दैट विदाउट सही है एक मेजर इशू है

You're not allowed to sell ads on your website if you run a high traffic site then you can only.com ki uh, then you can apply for their advertising program called word ads and wordpress.org can last uh, you can also create membership sites and sell membership for premium content courses etc and build an online community for wordpress.com you cannot build membership sites with wordpress.com.

सो so, मैंने बेसिकली ब्लू होस्ट के साथ जो है ना एक दो होस्टिंग ली थी और ब्लू होस्ट के साथ मुझे ये होस्टिंग मैंने तकरीबन आज से मैंने नवंबर में ली थी या yeah. मैंने नवंबर 2019 में ली थी ये मुझे होस्टिंग की कोई तकरीबन होस्टिंग और डोमेन दु, रजिस्ट्रेशन और आ, कुछ एडवांस वगैरह थे उसके साथ मुझे टोटल कोई तेरह हजार रुपए की पड़ी थी आई थिंक दस दस हज़ार तेरह हजार रुपये की तो या yeah. और आ, ब्लू होस uh, पे आने के बाद जैसे ही मैं इसके uh, डैशबोर्ड पे लॉग करता हूँ तो लॉग करते ही मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इस तरह आ रहा होता है However यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग के लिए अभी कन्फ्यूज हो जाएगा ठीक है मैं तुम लोग को exactly बता देता हूँ <coughs> ब्लू होस्ट पे एक बार मैं अपना डोमेन और, और होस्टिंग ले लूँ तो उसके बाद मैं सारी चीजें स्किप कर रहा था सारी चीजें बिकॉज वो डायरेक्टली आपको वेबसाइट बनाने की बात कर रहा होता है ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ सारी चीजें स्किप करके और मैं माई साइट्स पे चला जाता हूँ माई साइट्स पे जाने के बाद एक मिनट रुकी ये एरियाज हैं जहाँ पे मैंने अपनी एक ही डोमेन के ऊपर जो है ना डिफरेंट टेस्टिंग सब डोमेन वगैरह बना के कर रहा था और अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए तो मैं डायरेक्टली जो है ना मैं इस वाले पे चला जाता हूँ मैनेज साइट्स मैनेज साइट्स के ऊपर क्लिक करा उप्स आई एम सॉरी लॉग इन टू वर्ड पे दबा देता तो, हूँ मैं डायरेक्टली ये लॉग इन कर देगा मुझे अब कुछ चीज मैं पहले तुम लोगों को बता दू उसके बाद अब काफी लोगों को तो पहले से पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ठीक है लेकिन मैं तुम लोग को अब कुछ चीजें बता देता हूं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए इससे पहले मैं इसके मेन टूर के ऊपर आऊं <clears throat> कि क्या चीज कैसे करनी है ठीक है

कुछ पीपल uh, कुछ लोग क्या करते हैं वो जाते हैं और वो जितने भी उनके प्लगिन होते हैं उनको अपडेट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग दम सो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू हाउ दैट्स डन अपने लेफ्ट कॉलम पे जाओ प्लग पे जाओ इंस्टॉल प्लग पे जाओ सारे प्लग के ऊपर क्लिक करो इधर से टॉप से और अपडेट क्लिक करके अप्लाई कर दो मेरे अपडेट हुए में मुझे करने की जरूरत होती है दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि उन्होंने जो भी थीम सेलेक्ट करी होती है थीम्स पे जाते हैं और अगर उनकी थीम के कोई अपडेट अवेलेबल होती है थीम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सामने आ जाती है यहां पर लेकिन अभी यहाँ पे कोई थीम की अपडेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अपडेटेड है एंड हाउ एवर आई जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स लाइक दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ठीक है अगर थीम की कोई अपडेट अवेलेबल होगी तो उसको अपडेट कर देंगे दिस इज द सेकेंड स्टेप डेट वी डू नॉट नेली फॉर यू बिकॉज

वर्डप्रेस का जो पुराना एडिटर होता था जिसपे आप अपने पूरा आ, मतलब आर्टिकल वगैरह लिखते थे सब कुछ वो इस तरह दिखता था इस पे एक लोगों को थोड़ा सा जो हेसल फील होता था जो बिल्कुल लेमैन होते थे और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेजर इशू है वो कोई वो ये होता था कि कुछ चीजें होती थी जिसमें आप यहां देख रहे हो आ, अगर आप गौर से देखो मेरी स्क्रीन पे यहां पे um आई थिंक विजुअल लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका इसी के ऊपर एक जैसे आपने यहाँ पे कोई चीज टाइप करी और आपने आपने बोल्ड कुछ चीजों को बोल्ड करा कुछ चीजों को करा कहीं पे तुम लोग ने वो कोई कोटेशन डाल दी कलर डाल दिया कुछ भी कर दिया अब बैक एंड पे उसकी एक एच कोडिंग ऑटोमेटिकली वर्ड बना रहा होता है कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सेट नहीं होती थी पहले तो कंटेंट राइटर्स क्या होते थे उनके पास जो है ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता था वो बैक बैकहेंड इसके बैक एंड आई मीन ये बैक एंड ही है पूरा राइट हैंड साइड पे देखे सही है टेक्स के ऊपर जाते थे HTML पे जाके जो है ना वो थोड़ी बहुत करते थे, मतलब उनको एस टी एम एल के चीते नहीं होते थे लेकिन उनको कुछ चीजें याद रह जाती थी कि हाँ यार चलो यहाँ पे मुझे ये चीजें चेंजेस करनी है एस से रिलेटेड हल्की पुल्की स्ट्रिंग uh, याद होते थे उनको एस के वो चेंजेस करते थे और अपने आर्टिकल को लाइव ले जाते थे क्योंकि ये इश्यूज हो रहे थे तो वर्डप्रेस ने सोचा कि बर्ड जो है बाय डिफॉल्ट एडिटर uh, वो अब जो है इंस्टॉल कर देंगे एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक बहुत इजी हो गया है बट अ इज अ फ्लॉ गुटेनबर्ग की वजह से लोग इसको बहुत बहुत बुरे रिव्यूज दे रहे हैं सही है काफी ज्यादा लोग इसको बुरे रिव्यूज दे रहे हैं एंड गुटेनबर्ग इज द न्यू वर्डप्रेस एडिटर फॉर द पोस्ट एंड पेजेस इट कैन ईज वर्क विद कंटेंट अ यू डोंट नीड टू द नॉलेज ऑफ एचटीएमएल और सीएसएस टू प्लेस द टू ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट टेक्स्ट टू ईच अदर यू कैन यूज मेनी गुटेनबर्ग ब्लॉक्स एंड स्निपेट्स फॉर फ्री सो दिस इज आवर टेस्ट ठीक है सो पहले से पहले इंस्टॉल होगा गुटेनबर्ग अ लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद गुटेनबर्ग एडिटर तो मैं बस जब तुम लोग वर्ड प्रेस सामने आएगा सम पीपल माइट बी कंफर्टेबल वर्किंग विद ग्यूटन बर्ग बट गनबर्ग के साथ मसला यह है और इतने बैड रिव्यूज इस वजह से है क्योंकि ग्टनबर्ग के ऊपर अभी ये बीटा फेज में अभी भी अभी भी बीटा फेज में है ठीक है और, आ, और ये देख भी सकते हैं बीटा लिखा हुआ है एंड इसके ऊपर बग्स बहुत है कम्युनिटी बहुत ज्यादा बग्स जो ना इसके ऊपर रिपोर्ट कर, रिपोर्ट करती है ठीक है, ऑल आई एम है कुछ लोगों ने ग्यूटन बर्ग पर काम कर लिया हो हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं करा अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप क्लासिक वर्जन के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से ठीक है क्लासिक वर्जन के साथ मुझे कभी पर्सनली कोई इशू नहीं हुआ आज तक कभी भी कोई मसला नहीं आया मुझे ठीक है सॉरी ठीक है और इट इज वेरी इजी कोई न, आप मैं आपको बता रहा हूं अगर आप क्लासिक वर्जन के साथ एक महीना काम कर लेंगे ना आप बोलोगे के पता नहीं क्यों सिंपल काम करना है आप लोग को प्लग पे जाना है आप लोग को ठीक है प्लग पे जाने के बाद एड न्यू प्लग के ऊपर जाना है एड न्यू प्लग के बाद आप लोग को क्लासिक एडिटर सर्च करना है जैसे मैंने पहले से किया हुआ ठीक है और ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है इंस्टॉल करने के बाद यहां पे लिखा हुएगा एक्टिव एक्टिव नहीं होगा पहले से ठीक है खुद से एक्टिव नहीं होगा इंस्टॉल क्लिक करेंगे इंस्टॉल होगा उसके बाद यहीं पे एक्टिव 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 आ जाएगा जाएगा आप क्लिक करेंगे active, active हो ठीक है और जब आप एक्टिव कर लेंगे उसके बाद आपके पास वापस से इनिशियली ऐसे नजर आ रहा होगा उसके बाद ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी मतलब एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं मुझे क्लासिक जो वर्जन है दिस इज नॉट करंट एक्चुअली क्लासिक जो वर्जन है वो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ एडिट करना बहुत आसान लगता है सो आई प्रीफर वर्जन इनकेस अगर आपके पास डायरेक्टली क्लासिक वर्जन आ जाता है sure, कुछ करने की जरूरत नहीं वर्जन अगर आपके पास बाई डिफॉल्ट इस तरह पूरा नजर आ रहा है ठीक है so that's that and this was very important so i just thought of uh, giving away this information and um, a little bit of walkthrough and i won't overwhelm you guys with a lot of other data because the problem is when people come to um, wordpress for the first time jobo wordpress and everything this is the first look that you see in front of you they get

और ज्यादा डिटेल के साथ लेके जाना शुरू कर दूंगा एंड ये मैंने देखा है कि मैं अपने जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मैंने वर्ड के ऊपर मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज जस्ट कट इट आउट ओवर हेयर मैं तुम लोग को दिखा भी सकता हूँ मतलब सॉरी अभी मैं अपनी शेयर कर देता हूँ तुम लोग के साथ uh, एक मिनट रुकना ये मेरे लेक्चर्स हैं विद एज यू कैन सी तुम कुछ बता रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर काफी डिटेल के ड्रॉप शिपिंग जो है वो आ, और इस पर मैंने ये भी स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स भी दिए हुए कि आपको जो है आ, वो, इसकी आ, होस्टिंग जो है अगर आपको लेनी है स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह जाना है अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ये भी इंक्लूड कर लेता हूँ ठीक है इसके ऊपर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या चीज क्या करनी है ब्लू <clears> होस्ट <throat> लेने के बाद और फिर किस तरह कहा जाना है ठीक है एंड आप लोग ये देख सकते हो ये जो मैंने बेसिकली करा हुआ है ये मैंने वो uh, कॉमर्स का पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को कि आपको किस तरह करना है वो कॉमर्स के ऊपर ठीक है ये आप लोग के ऊपर है मतलब अगर आप लोग चाहते हो तो ये भी मैं इंक्लूड करके दे सकता हूँ बट आई इंक्लूडेड इंक्लूडेड इट इन इन शॉपिफाई एंड आई है अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको इंक्लूड करके लेकिन स्किप कर दूंगा मैं बाद में आप लोग देख इसका पूरा वॉक थ्रू देख सकते हो कि यार ये किस तरह हो रहा है, कैसे कर रहे है। लेकिन वु, मैंने शिपिंग मैंने सिर्फ वो कॉमर्स किया बिकॉज माई स्टूडेंट प्रीवियसली बट इंटरेस्टेड सर हम लोग को ये जानना है की मेरा अपना ब्रांड है और मैं उसको वो कॉमर्स पे कैसे लेके जा सकता हूँ तो मैंने सिर्फ वो एस्पेक्ट किया कवर किया हुआ है मैंने ड्रॉप शिपिंग थ्रू वो कॉमर्स नहीं करावा वो भी बहुत सिंपल है अगर आपको वो कॉमर्स समझ आ जाए जा तो आपको सिर्फ अली ड्रॉपशिप जो ओबरलू का ऑल्टरनेटिव है ऑन वो कॉमर्स वो सीखना पड़ेगा ताकि आप लोग कवर कर सको बहरहाल बिकॉज थोड़ा सा आई हैड टू गो बैक एंड फोर्थ समझाने के लिए तो वट आई वॉज ट्राइंग टू से बैक टू द टॉपिक ऑफ वर्ड प्रेस आई वॉन्ट ओवर वेन यू गाइज लीव इट ओवर हेयर एक्सप्लेनिंग अ फ्यू थिंग्स ओवर ठीक है क्यों बिकॉज जब मैं डिटेल में जाना शुरू करूंगा काफी स्टूडेंट्स जो है खास तौर पे जिनको इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की टेक्निकलिटीज नहीं पता वो थक जाते हैं उनका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है वो बोलते हैं टू मच टू रिमेंबर टू मच टू गो थ्रू सो आई कीप इट ओवर हेयर और नेक्स्ट क्लास मैं और ज्यादा डिटेल्स में जाना शुरू कर दूंगा हर चीज के साथ ठीक है बट फॉर दोस्त जिनके लिए जिनका माइंड एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है और जिनके लिए टू मच होना शुरू हो जाएगा इसके बाद क्योंकि मैं नहीं कवर कर रहा लेकिन उनको पता है बैक ऑफ द हेड के हाँ, शायद होना शुरू हो जाए प्लीज गो थ्रू माई लेक्चर अगेन दिस दिस वन एंड गो थ्रू ईच वन ऑफ दि सेशन सेक्शन बिफोर माई नेक्स्ट क्लास क्यों बिकॉज तुम लोग को पता चल जाए पहले से कि हर सेक्शन में क्या चीजें नजर आ रही हैं मुझे

एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता कोई फजूल की के बंदा बोले कि यार ये तो मुझे जरूरत नहीं थी जैसे कि अभी मैं डैशबोर्ड पर हूं दिस इज इज द द टॉप बार बार फॉर मी ठीक है है ये area जो है, ये एरिया जो आपका बेसिकली uh, अगर आप इसके क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स वर्ड प्रेस की वर्जन से रिलेटेड और कौन सा चल रहा है और इसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है सपोर्ट है फीडबैक वो आपको नजर आ जाएगा वॉन्ट गो थ्रू इट ज योर वेबसाइट यहां पे आप क्लिक करोगे अगर आप इस क्लिक करते हो तो आप अपनी वेबसाइट पे चले जाओगे ठीक है सेक्शन आपकी वेबसाइट क्योंकि वर्ड एक बहुत अच्छी वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज वेल क्योंकि लोग आपके ब्लॉग्स के ऊपर कॉमेंट्स छोड़ते हैं अगर कोई कमेंट्स आए होते हैं टॉप मैन बार में मतलब यहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ये नंबर आपको बताएगा कितने कमेंट्स आए हुए हैं और आप फिर अकॉर्डिंगली उनको जाके फॉरन रिप्लाई कर सकते हो ठीक है सिंस आई लीव ओवर हेयर ये बहुत ईजी है द वे आई गो थ्रू दिस सो न्यू इज अगर इफ यू टू मेक अ पोस्ट इमीजिएटली इफ यू वॉन्ट टू एड मीडिया इमीजिएटली इफ यू टू मेक अ पेज इमीजिएटली और एड यूजर्स और एड वर्ड प्लेफॉर्म दिस इज वे यू हैव टू गो मतलब बेसिकली ये क्विक लिंक्स है न डू द सेम पोस्ट देख रहे हो ये पोस्ट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्टन बार में भी है बट फॉर यू टू मेक इट इजी आप सिर्फ टॉप नेविगेशन बार में पोस्ट में चले जाओ तो क्विक लिंक है आप डायरेक्टली पोस्ट बनाने चले जाओगे ठीक है आई वॉन्ट बी कवरिंग दिस वॉन्ट बी कवरिंग दिस एंड नॉर द इन साइड वी आर राइट नाउ ठीक है इसके ऊपर अगर हमें जाना हुआ तो हम बाद में चले जाएंगे लेट्स गो ऑल दे टू द राइट यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है आप अपना एवटार या कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो एज अ प्रोफाइल ठीक है और जब आप कमेंट कर रहे होगे किसी uh, के कमेंट के ऊपर तो फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपका नाम आपकी आईडी उसी तरह से रिफ्लेक्ट होगा नॉट टू नेसेसरी नथिंग टू गो इन डिटेल विद स्किपिंग दिस एज वेल मतलब ठीक है लेट्स टॉक अबाउट लेट्स गो टू द मेन एरिया नाउ आई बी स्किपिंग ब्लू होस्ट आई विल स्किपिंग मेन एरिया असल जो एरिया है वो यहां से स्टार्ट होता है डैशबोर्ड लेट्स गो ऑन होम होम पे जब आप आते हो तो आप बोलते हो ये क्या खिचड़ी पकी हुई है मैं क्या करूं इस सबका मेरे लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी चीजें आर नॉट इम्पोर्टेंट तो दिस इज हाउ इट इज जब आप होम पे आते हो तो होम का जो हिस्सा है जो कि आपके टॉप जो बार है उससे नीचे आ रहा होता है डैशबोर्ड हो, पे होम पे जाने के बाद वह एक हेल्प

ठीक है और आप इसको ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हो कि कौन सा हिस्सा ऊपर आए कौन सा हिस्सा कहां पर आए इसके साथ यूजेस प्लेयर आउट ठीक है नॉट टू इंपॉर्टेंट नॉट या राइट नाउ विल नॉट बी दिस जैसे जैसे वक्त आएगा हर चीज का हम उस चीज को डिटेल में कवर करते रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड की नेविगेशन बार पे आ जाए ठीक है विच इज जो यहां पर लेफ्ट नेविगेशन बार ठीक है जब हम लेफ्ट पे आते हैं तो हमारे पास ये सारे एरियाज हैं अब हम मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से एरियाज़ आप लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे uh, बताता हूं आपको पोस्ट पेजेस कमेंट्स आप वैसी मतलब uh, uh, रिप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कोई नजर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपियरेंस प्लग नॉट ऑलवेज लेकिन शुरू में आप काफी शायद यूज कर रहे हो ठीक है यूजर्स इज जस्ट यूज्ड कि आप लोगों को किस लेवल का अकाउंट का एक्सेस देना चाह रहे हो स्टाफ लेवल एक्सेस देना चाह रहे हो एडमिन लेवल एक्सेस हो मॉडरेटर लेवल हो सब्स मतलब, uh, है जो आप शुरू में कुछ बार जाओगे या शायद कुछ अरसे के बाद कुछ बार जाओगे आप चीजें सेट करोगे उसके बाद यूर आउट एंड अबाउट ठीक है एंड सो एंड सो फोर्थ लेकिन

एंड सैम्पल पेजेस एज वेल मैं भी पेजेस में भी जा रहा हूँ ठीक है अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ प्लगइन्स में जाके एंड होपफुली जब मैं क्लासिक एडिटर को डीएक्टिवेट करूंगा तो जो मैंने जिस एडिटर की बात करी थी वो ऑटोमेटिकली आप लोग के सामने एनेबल हो जाएगा Oops, sorry, ये देख जैसे मैं आप लोग को बता रहा था ठीक है, है, अगर आपको भी हो, मर्जी मर्जी पर कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग लेकिन मेजोरिटी लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं ठीक है सो आई एम लिविंग दिस यू फील कंफर्टेबल गो एट विद इट अगर आपको इश्यूज होना शुरू हो जाता है स्विच टू क्लासिक एडिटर ठीक है uh, yeah. लगेंस पे जाने के बाद क्लासिक एडिटर को मैं एक्टिवेट कर लिया और नाउ वे बैक टू क्लासिक एडिटर और अब आप मैं एडिट करके दिखा सकता हूं ये आपका क्लासिक एडिटर आ गया ठीक है आई हैव ट्राइड टू कीप थिंग्स एज इजी एज पॉसिबल और कि जितना लेमैन मतलब नीचे लेवल पे जितना आके मैं आप लोगों को समझा सकता हूं समझाऊं ठीक है and now what you need to do is you have to get, read, get rid of these posts just click on bulk and move to trash if you want yeah trash and same goes for pages you have these pages पेजेस पेजेस आर लाइक प्राइवेसी पॉलिसी जो मैं को पे बताया थे ना कि आपको पेजेस बनाने पड़ते हैं जो आपके बेसिकली फुटर पे यूजली मैं सबको सब अगर ये दस भी होते तो यहां से उपर के, उपर क्लिक करके मूव ट्रैश कर दें अप्लाई दें तो वो सब डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली डू नॉट पाई डोमेन यू कैन प्ले अराउंडोमेन ठीक है फ्री वर्ड प्रेस डोमेन सिर्फ खेलो और ये बहुत जरूरी होता है हर सेक्शन पे जाओ मीडिया कौन सा एरिया होता है मीडिया वो एरिया होता है जो भी जो भी भी आप पोस्ट के अंदर मीडिया डाल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके मीडिया के अंदर जमा होता रहेगा ये आपका बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर सारे मीडिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली डंप हो रहे होंगे जो आप अपने कॉन्टेंट के अंदर डाल रहे होंगे सही है एंड जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स ठीक है सो आई कीप इट टिल राइट नाउ

तो दैट इज मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूंगा कि ये सही है वो गलत है मुझे तो अभी भी गलत नहीं लग रहा सॉरी टू से मतलब आई जस्ट थिंक डिफरेंट वे मैं अभी भी अपने प्लान के साथ जा रहा हूं मैंने अपनी अभी भी अपनी बहन को जो है ना बताया शिफ्ट करे थोड़े से प्लान मैंने बताया देखो इस इस तरह से कर लो लेकिन आई एम स्टिल ऑन टू इट एंड प्रोबेबली इसलिए वजह से भी क्योंकि मैं आई एम द कांड ऑफ अ गायंगस आउट टू टेक रिस्क इवन एफ ही

सेकंड रुकिएगा ठीक है पुराना लिंक है ये स्लाइड का ए? पिक्चर कहां चली गई भाई दिस इज वियर्ड दिस इज रियली एक मिनट रुकेगा यार

कर को क्यों नहीं आ रहा मतलब

इनफैक्ट देखो लिंक वुड ऑलवेज रिमेन द सेम तुम लोग अपने पास लिंक सेम रखो मुझे बस बता दिया करो कि शेयर द स्लाइड्स एंड लिंक सेम रहेगा हमेशा तो लास्ट टाइम तुम लोग को मैंने दिया हुआ होगा ठीक है

तो मैंने सजेशन दिया कि एक के साथ स्टार्ट करो लेकिन अगर तुम लोग को लगता है कि तुम दो के साथ कर सकते हो तीन के साथ कर सकते हो तो करो दो तीन के साथ कोई मसला नहीं है मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कि अगर तुम तुम लोग को लगता है लोग एक एमेजोन की निश्चय लगता है कि नहीं उसमें इतना आ, जूस नहीं है इतना वॉल्यूम नहीं बन रहा तो तुम लोग दो स्टार्ट कर लो फिर ये मेरा सजेशन है या दूसरी किसी ऐसी कैटेगरी में चले जाओ जिसमें जो है ना अभी भी तुम लोग की अनचेंज्ड कमीशन रेट्स हो और या तो वेट करो जैसे मैंने बोला कि मे बी मे बी आई एम नॉट सेइंग कि मैं uh, बोल रहा हूँ ये बात तो डन है कि वापस आएंगे इनके कमीशन रेट्स बट हु नोज मे बी वापस आप गए एनी एक्सपेक्टेड टाइम व्हेन वी विल गेट आर निश वैलिडेशन बैक यार आई एम होपिंग इन टू डेज टाइम ठीक है एंड वी विल प्रिपेयर द साइलो स्ट्रक्चर एंड ये टेम्प्लेट भी तुम लोग को

दैट इज द स्कोप मतलब सम पीपल डू थिंगस हैंड इन हैंड रिव्यूज अपने जो है ना पूरा कॉन्टेंट बनाना शुरू करते हैं ऑन देर पर्सनल अमेजॉन वेबसाइट और वो दोनों स्ट्रेटीज को एक साथ लेके चलते हैं कि उन्होंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगवायापोज कोई मोबाइल है एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो सिर्फ उसका वो रिव्यू दिया वो रिव्यू उठाकर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी इंटीग्रेट कर दिया जो उनका पूरा अमेजॉन एसोसिएट्स की वेबसाइट बनी हुई है जिसपे वो कॉन्टेंट बना रहे है, सही है और साथ साथ अपनी ही वीडियो डाल दी इट गोज हैंड एंड हैंड वि लेकिन वो तरह बड़ा गेम हो जाता है फिर थोड़ा कैन बी यूज डिफरेंट एफिलेट प्रोग्राम ऑन वेबसाइट आप कर सकते हो और काफी लोग कर रहे हैं एक्चुअली और अगर आप एम्पायर फ्लिपर्स पे भी जाते हो तो काफी लोगों ने इस तरह डाला हुआ है कि uh, मैं अमेजोन एफिलेट भी एक वेबसाइट है उनकी अमेजोन एफिलेट के लिए वो बेच रहे हैं लेकिन उस पर वो क्लिपैंग भी कर रहे हैं और उस पर वो एक्सेस भी कर रहे हैं बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट स्ट्रेटी आई जस्ट फील के थोड़ी खिचड़ी हो जाती है लेकिन

आपने पहले स्टार्ट करते थे आप सेवेंथ रैंकिंग पे आते थे पेज पे आते थे रैंकिंग नहीं बोल रहा सॉरी दस से पेज पे, पे आते थे अब आप उस साइलो के ऊपर आपने इतनी अथॉरिटी हासिल कर ली है कि गूगल आप छूटते ही जैसे ही आपका आर्टिकल लाइव होता है जिस दिन लाइव होता है उसी दिन आपको दूसरे तीसरे पेज पे फेंक देता है अब आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है कि आप उसके ऊपर उसको पहले पेज पे लेके आओ तो अब गूगल ने आपको इतनी वो दे दी है अब आप ठीक है मतलब एक साइलो आप एक एक्स्ट्रा कोई क्योंकि आपके पास की कितने सारे होते हैं एक कोई ऐसा की आप उठा लो आप बोलते चलो यार मैं इसके पर थोड़ा सा ट्राई करता हूँ क्लिक बैंक पर क्लिक कर क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स को एड करके थोड़ा सा आपने टेस्टिंग करने के लिए चेक करा, सिर्फ चेक सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग करा हुआ गुड वेल वेल एंड गुड ठीक है थोड़ा सा आप और एक्सटेंड कर लो इस एरिया में नहीं हुआ तो कैंसिल द प्लान उसी पूरे आप अपने पूरे आ, आ, को अपडेट करो एमेजोन के लिंक्स डालो स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही करो और गो बैक टू इट सही है

एफिलियट 100 परसेंट ट्राई करता 100 परसेंट मैं प्रॉबेबली अपनी बात कर रहा हूं मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के साथ जाता दे इज नो मतलब मैं ये नहीं कह सकता इसका ये रीजन है इसका ये रीजन है भाई डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर um, हो मैं अगर अपनी यही बात अपनी बहन के सामने रखूं जिसको मैं जानता जिसकी क्या नेचर है वो

PMs को बहुत ज्यादा तंग मत करें मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग क्योंकि हर पीएम के पास पांच से दस स्टूडेंट्स हैं ठीक है आप अपने पीएम के पास जाएं उससे सवाल रखें डू नॉट ओवरवे दिस बिकॉज सब कुछ मेरी तरफ से उनके पास जा रहा होगा वो हर चीज का एक लिमिटेड जवाब देख सकते हैं क्योंकि मैं भी उनको देखिये मैं भी उनसे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूं मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा वो मैंने उनका अभी रिसेंट में अभी जवाब भी दिया उसका क्यों लेकिन मैं उनके साथ चीजें स्ट्रीमलाइन करूंगा जैसे जैसे कोर्सेस कंप्लीशन की तरफ आएंगे तो मेरे पास फिर एग्जीक्यूशन का टाइम ज्यादा मिलेगा ठीक है तो ये बात आप लोग को रखना है एनी अपडेट ऑन द निश सबमिशन वर्क दो दिन में इंशाला दो मैक्सिमम तीन दिन में आप लोग को सारा चीजें पता चल जाएंगी ठीक है कैन वी चेंज आर निश हा श्योर वाई नॉट न बी यूज वर्ड प्रेस फॉर ड्रॉपशिपिंग एक्चुअली वर्ड प्रेस के अंदर एक प्लग इन जिसको हम बोलते हैं वो कॉमर्स है Woo, अली ड्रॉपशिप uh, और भी प्लग है लेकिन हम मैं अली ड्रॉपशिप की एग्जाम्पल दूंगा आपको वो कॉमर्स और इट गोज लाइक दिस वर्ल्ड प्रेस के अंदर एक प्लगिन uh, है वो कॉमर्स उसको इंटीग्रेट करना होगा आपको एक और प्लग इन जिसका नाम है अली ड्रॉपशिप और फिर आप कर रहे होंगे I won't recommend WordPress. People say this is is a whole new In in my uh, in my point of view, there is no cost cost बात कर रहे हंड्रेड परसेंट वर्ड प्रेस जीतता है hands down at any point of time. अगर आप drop shipping की सिर्फ आप ये बात कर रहे हैं नहीं मैं cost की बात नहीं कर रहा मैं bear कर सकता हूँ उसको

बोध आर रियली गुड मैंने अभी किसी से बात करी थी कोई मुझसे बोल रहा था कि सर कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी कर रही है उबर अलग बोल रहा है अयो शरफ अलग बोल रहा है मॉज अलग बोल रहा है मॉज मैं आपको बताता हूँ इट्स रियली फनी मॉस खुद आर्टिकल छापता है बोलता है कि मैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम मॉस की जो है कीवर्ड डिफिकल्टी कैसे कीवर्ड कीवर्ड टूल डॉट वो जो सारे हैं और ए एच रफ से और बाकी बेहतर है ए एच रफ्स आर्टिकल छापता है बोलता है मैं आपको बताता हूँ कि ए एच रफ्स की जो है ना कीवर्ड डिफिकल्टी एक्यूरेसी कैसे मॉज से बेहतर है कैसे उबर से जैसे बेहतर है फिर एक और कंपनी होगी तो भाई मैं बोलता हूँ आप एच एफ यूज करो या मॉज यूज करो एच एफ यूज करो या मॉज यूज करो या एस रश यूज करो लेकिन इन तीन के अलावा कोई यूज नहीं करो और इन तीन में मैं जो हूं हमेशा एचआरएस को प्रेफर करूंगा मैं अपनी बात कर रहा हूं आपकी मर्जी आपकी आपकी जो भी प्रेफरेंस है आपका शायद बुरा एक्सपीरियंस हो किसी के साथ तो ठीक है दैट्स यू बट आई विल स्टिक टू एचआरएस ठीक है ओके आई एम डन एंड या सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को ज्यादातर uh, समझ आ गया होगा चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी मैं काफी हद तक मैंने लेमेन टर्म्स में रखे ज्यादातर चीजों को मैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसको टेक्निकल करता जाऊंगा और फिर आई फाइनली और वेबसाइट विल बी रेडी इंशाला पार्शल मैच डोमेन्स ये मैं आप लोग को बताऊंगा अभी नहीं जब मैं एस का टॉपिक होगा लेकिन मैं आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन एंड आई विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन डोंट वरी इन माय लेटर सेशंस ओके ओके गाइस थैंक यू आप लोग अपना ख्याल रखिएगा कल इंशाल्लाह फिर किंडल पे मिलते हैं um an office